हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 हिस्ट्री का, और चैप्टर का नाम है हाउ व्हेन एंड वेयर। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ डू वी पेरोडाइज। पेरोडाइज मतलब कि किस तरह से हमने पीरियड्स में हिस्ट्री को कन्वर्ट किया है या हमने डिवाइड किया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो जेम्स मिल थे, इन्होंने 1817 के अंदर, जेम्स मिल जो कि एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिकल फिलोसफर थे, आर्थिक एंड पॉलिटिकल मीन्स राजनीतिक, तो आर्थिक और राजनीतिक फिलोसफर थे, विचारक, फिलोसफर को विचारक बोलते हैं। और इन्होंने 3 वॉल्यूम वर्क के अंदर, एक बहुत ही मासिव, एक बहुत ही बड़ा 3 वॉल्यूम की इन्होंने किताब पब्लिश की थी, जिसका नाम था हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। और इस बुक के अंदर इन्होंने इंडियन हिस्ट्री को 3 पीरियड्स के अंदर डिवाइड किया था, और वो पीरियड्स थे हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। तो इन्होंने जो हिस्ट्री का डिवीज़न किया था, इंडियन हिस्ट्री का, वो हिंदू रिलीजन बेसिस पे किया था, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। दिस पीरियडाइजेशन केम टू बी वाइडली एक्सेप्ट। और ये जब ये पीरियडाइजेशन किया गया था, जब इसको पीरियड्स के अंदर बांटा गया था, तो इसको वाइडली एक्सेप्ट, लगभग सभी लोगों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया था। कैन यू थिंक एनी प्रॉब्लम विद दिस वे ऑफ लुकिंग एट द इंडियन हिस्ट्री? क्या आप समझते हैं कि इस टाइप से इन्होंने जो डिवाइड किया था, क्या इस टाइप से इंडियन हिस्ट्री को देखने में कोई प्रॉब्लम सामने आई थी? वाई डू वी ट्राई एंड डिवाइड हिस्ट्री इंटू डिफरेंट पीरियड्स? हम लोग क्यों कोशिश करते हैं हिस्ट्री को अलग अलग पीरियड्स के अंदर डिवाइड करने के लिए? वी डू सो इन एंड अटेम्प्ट टू कैप्चर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टाइम। और हम जो हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं अलग अलग पीरियड के अंदर, उसका रीज़न ये है कि हम टाइम को कैप्चर कर सकें, या टाइम की जो विशेषता हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब होता है विशेषताएं, तो टाइम की जो विशेषता है उनको हम कैप्चर कर सकें। कैप्चर मीन्स होता है कैद कर सकें उसको, या आगे इन मेमोरी के अंदर हमेशा ये चीज़ बनी रहे। तो इसलिए हम इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं पीरियड्स के अंदर। इट्स सेंट्रल फीचर एज दे अपीयर टू अस, और उसका जो सेंट्रल फीचर जो कि हमारे लिए अपीयर हो रहा है, सो द टर्म थ्रू विच वी पेरोडाइज, दैट इज डिमार्केटिंग द डिफरेंस बिटवीन पीरियड। और जो हम ये पेरोडाइज कर रहे हैं, उसका मेन कारण ये है कि जिससे कि हम डिमार्क कर सकें, मतलब अंतर बता सकें पीरियड्स के बीच में, कि कौन से पीरियड में क्या हुआ था, कौन से पीरियड में क्या हुआ था, कैसे इन पीरियड्स के अंदर अंतर पाया जाता है। बिकेम इम्पॉर्टेंट, दे रिफ्लेक्ट आर आइडियाज़, ये हमारे आइडिया को रिफ्लेक्ट करते हैं अबाउट द पास्ट, पास्ट के अंदर हमारे आइडियाज़ कैसे थे। दे शो हाउ वी सी द सिग्निफिकेंस ऑफ द चेंज फ्रॉम वन पीरियड टू नेक्स्ट, और ये शो करते हैं कि किस प्रकार से एक पीरियड में चेंजेस हुए थे, और कैसे दूसरे पीरियड के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए, तो उसकी इम्पॉर्टेंस को शो करने का काम करते हैं। मिल्स थॉट, मिल ने ऐसा सोचा दैट ऑल एंशियंट सोसाइटी, के जितने भी एंशियंट सोसाइटीज़ हैं, वर एट अ लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन। और ये क्या है, लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन है देन यूरोप। यानी कि मिल्स का ऐसा सोचना था कि जितना भी एशिया के अंदर जो भी सोसाइटी है, जो भी समाज है, वो उसकी जो सभ्यता है, सिविलाइजेशन मतलब होता है सभ्यता, यूरोप से लो लेवल की है। यानी यूरोप बहुत सभ्य है और बाकी जो एशियन सोसाइटी है वो असभ्य है। अकॉर्डिंग टू हिज टेलिंग ऑफ हिस्ट्री, और उसके जैसा उन्होंने हिस्ट्री को बताया था, उसके अकॉर्डिंग बिफोर द ब्रिटिश केम टू इंडिया, इनके अकॉर्डिंग ये था कि जब ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया के अंदर हिंदू या मुस्लिम डेस्पोटिक रूल किया करते थे। डेस्पोटिक मतलब कि किसी एक व्यक्ति के हाथ में अधिकार होना और वो अपनी मनमानी करे। तो हिंदू या मुस्लिम, या तो हिंदुओं का राज होता था या मुस्लिम्स का होता था, तो वो राज किया करते थे। रिलीजियस इंटॉलरेंस, और जो रिलीजियस इंटॉलरेंस जो थी वो बढ़ गई थी, यानी कि सहन शक्ति जो थी रिलीजियस, वो ख़त्म हो रही थी। कास्ट टैबूज, टैबूज मतलब होता है सोशल और रिलीजियस कस्टम प्रोहिबिटेड, यानी कि कोई सामाजिक या कोई रिलीजियस या धार्मिक कोई कस्टम है, उसको रोक लगा, उस पर रोक लगा देना, प्रोहिबिशन मतलब था रोक लगाना। एंड द सुपरस्टिशियस, और सुपरस्टिशियस मतलब होता है
कि अंधविश्वास, यानी एक तरह से हम वहमी भी कह सकते हैं कि अंधविश्वास पर विश्वास करना या वहमी होना, इस टाइप की जो प्रैक्टिस हुआ करती थी उस टाइम, या इस टाइप के जो लोग थे वो काम किया करते थे। डोमिनेटेड सोशल लाइफ, और ऐसे लोग ही सामाजिक जिंदगी पर राज किया करते थे, यानी ऐसे लोगों के हाथ में ही सत्ता हुआ करती थी या पावर होती थी। ब्रिटिश रूल मिल फैल कुछ सिविलाइज्ड इंडिया, और जो ब्रिटिश रूल में मिल ऐसा महसूस करते थे कि इंडिया को सिविलाइज करना चाहिए। टू दिस इट वॉज नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस यूरोपियन मैनर्स, और इसके लिए ज़रूरी है कि वो यूरोपियन मैनर्स को इंट्रोड्यूस करे, आर्ट्स और इंस्टीट्यूशन एंड लॉ इन इंडिया। तो इंडिया को सिविलाइज करने के लिए वो क्या चाहते थे कि यूरोपियन मैनर्स, आर्ट्स, इंस्टीट्यूशन और लॉ, इसको इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस करे। एंड इन फैक्ट सजेस्टेड दैट द ब्रिटिश शुड कॉन्कर, और जो इस तरह से जो ब्रिटिशर्स हैं या जो ब्रिटिश हैं वो इंडिया के टेरिटरी पर जीत हासिल कर सकती है। कॉन्कर मतलब होता है जीत हासिल करना, कॉन्कर मीन्स जीत हासिल करना। ऑल टेरिटरीज इन इंडिया, जितनी भी टेरिटरीज हैं इंडिया के अंदर, उस पर ब्रिटिश जीत हासिल कर सकते हैं। टू एंश्योर द एनलाइटनमेंट एंड हैप्पीनेस ऑफ द इंडियन पीपल, और इस तरह से वो जो भारतीय लोग हैं उनके अंदर खुशी और ज्ञान बढ़ा सकते हैं। फॉर इंडिया, इंडिया वॉज नॉट कैपेबल ऑफ प्रोग्रेस विदाउट ब्रिटिश हेल्प, और इंडिया के अंदर जो इंडियंस हैं वो कैपेबल नहीं हैं बिना ब्रिटिश की मदद के वो प्रोग्रेस कर सके, ऐसा कौन मानते थे? ये मानते थे मिल। इन दिस आइडिया ऑफ हिस्ट्री, और इस ये जो आइडिया है हिस्ट्री का, ब्रिटिश रूल रिप्रेजेंटेड ऑल द फोर्सेज ऑफ प्रोग्राम सॉरी प्रोग्रेस एंड सिविलाइजेशन, और इस आइडिया के अंदर जो ब्रिटिश रूल था वो उसने अपनी सारी ताकत लगा दी थी जिससे कि वो प्रोग्रेस करे और सिविलाइजेशन सेटअप करे इंडिया के अंदर। एंड द पीरियड बिफोर द ब्रिटिश रूल वॉज वन ऑफ डार्कनेस, और वो ऐसा मानते थे कि ब्रिटिश के आने से पहले इंडिया के अंदर जो पीरियड था वो अंधेरा वाला था, अंधकारमय था। कैन सच अ कॉन्सेप्शन बी एक्सेप्टेड टूडे, क्या इस प्रकार का जो कॉन्सेप्शन है, कॉन्सेप्शन मतलब जो उन्होंने बात की है कि ब्रिटिश के आने से पहले जो इंडिया था वो अंधकारमय था, या इंडिया के अंदर ज्ञान नहीं था, या इंडिया सभ्य नहीं थी इंडियंस, तो ये बात क्या आज हम स्वीकार कर सकते हैं? ये कॉन्सेप्ट हो गया, क्या कॉन्सेप्ट को हम इसको स्वीकार कर सकते हैं? एक्सेप्टेड मतलब स्वीकार करना, टुडे नहीं कर सकते। इन एनी केस वी रेफर्स टू एनी पीरियड ऑफ हिस्ट्री, किसी भी केस के अंदर, किसी भी पीरियड के अंदर हिस्ट्री एज अ हिंदू और मुस्लिम, इसको भी हम नहीं स्वीकार कर सकते हैं, चाहे वो हिंदू पीरियड हो या मुस्लिम पीरियड हो। जैसे कि मिल्स ने बताया है, डिड नॉट अ वैरायटी ऑफ फेथ एग्जिस्ट सिम्यूटेनियसली इन दिस पीरियड, और किसी भी प्रकार की जो वैरायटी ऑफ फेथ, मतलब जो भी रिलीजियस फेथ था उनका, उस पर किसी भी प्रकार की कोई रोक नहीं लगाई गई थी। हाँ, जब ये मुगल्स आए थे तब इन्होंने, कुछ जो राजा थे उन्होंने रोक जरूर लगाई थी, लेकिन भारतीय राजाओं ने किसी भी चीज़ पर कोई, या हम कह सकते हैं हिंदू जो राजा थे उन्होंने किसी भी चीज़ पर, किसी भी रिलीजन पर रोक नहीं लगाई थी। वाई शुड बी कैरेक्टराइज एन एज ओनली थ्रू अ रिलीजन, और हम क्यों किसी भी एज को एक रिलीजन का नाम दे सकें, ऑफ द रूलर ऑफ द पीरियड, कि उस समय कौन शासक था, कौन सा राजा शासक था, हिंदू था या मुसलमान था। अगर हिंदू राजा शासक था तो उसको हिंदू पीरियड कह देंगे, या मुसलमान राजा शासक था तो उसको मुस्लिम रूल कह देंगे। तो हम केवल राजा के नाम से ही क्यों पीरियड को कैरेक्टराइज करें? टू डू सो इज टू सजेस्ट दैट द लाइफ एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द अदर डू नॉट रियली मैटर, और ऐसा करने से क्या होगा कि हम ये कहेंगे कि जो और लोग यहाँ पर रह रहे थे उनकी लाइफ जो है, या वो जो भी धर्म को मानते थे, वो कोई
मैटर नहीं रखता या कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखता। वी शुड ऑल्सो रिमेंबर दैट इवन रूलर इन एंशियंट इंडिया, और साथ में हम ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि जो भी रूलर्स थे एंशियंट इंडिया के अंदर डिड नॉट ऑल शेयर द सेम फेथ, और सभी लोग एक जैसे नहीं थे, एक ही जैसे विचार वाले नहीं थे या एक ही जैसे धर्म को मानने वाले नहीं थे। अलग अलग राजा थे, अलग अलग धर्म को मानते थे, अलग अलग उनके विश्वास हुआ करते थे, और ज़रूरी नहीं था कि वो किसी भी और धर्म को मानने पर रोक लगाते थे एंशियंट इंडिया के अंदर। मूविंग अवे फ्रॉम ब्रिटिश क्लासिफिकेशन, अगर हम ब्रिटिश क्लासिफिकेशन से दूर जाते हैं तो हमारे जो इंडियन हिस्टोरियंस हैं उन्होंने इंडिया हिस्ट्री को डिवाइड किया था थ्री पार्ट्स के अंदर, और वो था एंशियंट, मेडाइवल एंड मॉडर्न। एंशियंट मीन्स होता है प्राचीन, मेडाइवल मीन्स होता है मध्यकाल, एंड मॉडर्न मीन्स होता है आधुनिक। तो दिस डिवीज़न टू हैज़ इट्स प्रॉब्लम, इस डिवीज़न के अंदर भी प्रॉब्लम थी, और वो प्रॉब्लम क्या थी कि ये जो प्रायोरिटाइजेशन किया था दैट इज़ बोरोड फ्रॉम द वेस्ट, और इसको कहाँ से लाए थे, वेस्ट से लाए थे। वेयर द मॉडर्न पीरियड, जहाँ पर जो मॉडर्न पीरियड है वो एसोसिएटेड, एसोसिएटेड मतलब रिलेटेड होना विद द ग्रोथ ऑफ ऑल द फोर्सेज ऑफ मॉडर्निटी, कि भाई सब प्रकार के जो फोर्सेज हैं मॉडर्निटी की वो बढ़ चुकी थी या उनकी वृद्धि हो चुकी थी। और कौन से थे वो फोर्सेज, वो थे साइंस, रीजंस, डेमोक्रेसी, लिबर्टी एंड इक्वलिटी। मिडाइवल वॉज अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब अ सोसाइटी, और मिडाइवल जो है वो एक ऐसा टर्म है जिसे कि यूज़ किया जाता है सोसाइटी के लिए वेयर दीज फीचर्स ऑफ मॉडर्न सोसाइटी डिड नॉट एग्जिस्ट, मतलब मॉडर्न सोसाइटी के जो फीचर्स बताए कि वहाँ पे साइंस भी है, रीज़न भी है, डेमोक्रेसी भी, लिबर्टी इक्वलिटी भी है, जहाँ पर ये फीचर्स नहीं पाए जाते हैं उस समय को, उस पीरियड को मिडाइवल टर्म दिया गया था। कैन वी अनक्रिटिकली एक्सेप्ट दिस कैरेक्टराइजेशन, क्या हम बिना किसी आलोचना के इस ये जो विशेषताएं बताई गई हैं, कैरेक्टराइज किया गया है, इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं मॉडर्न पीरियड में? टू डिस्क्राइब द पीरियड ऑफ आवर स्टडी, कि हम अपने पीरियड को डिस्क्राइब कर सकें हमारी स्टडी के अंदर। एज यू विल सी दिस बुक, अगर आप इस किताब को देखेंगे, अंडर ब्रिटिश रूल पीपल डिड नॉट हैव इक्वलिटी, तो अगर आप देखेंगे तो ब्रिटिश रूल के अंदर लोगों को समानता नहीं थी और न ही आज़ादी थी और न ही उनको किसी प्रकार की छूट थी, तो इक्वलिटी भी नहीं थी, फ्रीडम भी नहीं थी और लिबर्टी भी नहीं थी। नॉर वॉज अ पीरियड वन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रोग्रेस, और न ही ये समय था जिस समय हमारे इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ हुई हो या प्रोग्रेस हुई हो। तो मतलब कहने का क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स के आने के बाद जो इंडिया था वो डार्कनेस में चला गया था, अदरवाइज इंडिया पहले बहुत अच्छा था। मैनी हिस्टोरियंस देयरफॉर रेफर्स टू दिस पीरियड एज अ कॉलोनियल, और बहुत सारे जो इतिहासकार हैं उन्होंने इस पीरियड को कॉलोनियल का नाम दिया। अब प्रश्न ये उठता है कि व्हाट इज कॉलोनियल, कॉलोनियल होता क्या है? तो कॉलोनियल मतलब होता है जब कोई कंट्री किसी दूसरी कंट्री के पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल लाइफ पर अगर कंट्रोल कर ले या अपना इन्फ्लुएंस उस पर डाले, तो वो जिस कंट्री ने कंट्रोल किया है दूसरी कंट्री को, तो वो जो कंट्री जिसको कंट्रोल में किया है वो कॉलोनी बन जाती है उस कंट्री के जिसने कंट्रोल किया है, तो उसको हम कॉलोनियल बोलते हैं। इन दिस बुक यू विल रीड अबाउट द वे ब्रिटिश केम टू कॉन्कर द कंट्री एंड एस्टैब्लिश देयर रूल, और इस बुक के अंदर आप ये पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जो ब्रिटिश थे वो यहाँ पर आए तो वो यहाँ व्यापार करने के लिए थे, मगर उन्होंने कंट्री को जीत लिया, धीरे धीरे सब पार्ट पर कब्जा करने लगे और अपना रूल स्टैब्लिश कर लिया। सब्जुगेटिंग मतलब होता है कि ऐसा एक्शन जिससे कि कोई व्यक्ति या कोई चीज़ डोमिनेशन के अंदर चली जाती है, डोमिनेशन मतलब किसी के कंट्रोल में चली जाती है, तो उसको सब्जुगेशन कहा जाता है। तो जो नवाब और राजा हुआ करते थे उनका जो अधिकार था या जो उनके रीजंस थे वो
किसके अंडर में चले गए, ब्रिटिशर्स के अंडर में चले गए थे। यू विल सी हाउ दे इस्टेब्लिश कंट्रोल, और आप देखेंगे किस प्रकार से उन्होंने कंट्रोल इस्टेब्लिश किया था इकनॉमी सोसाइटी, और कैसे वो रेवेन्यू को कलेक्ट किया करते थे अपने खर्चों को पूरा करने के लिए। एक्सपेंसेस मतलब होता है खर्चा, तो अपने सारे खर्चों को पूरा करने के लिए वो यहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट किया करते थे। बॉट द गुड्स दे वॉन्टेड लो प्राइस, और यहाँ से वो सामान खरीद लिया करते थे कम कीमत पर जो वो चाहते थे। प्रोड्यूस क्रॉप दे नीडेड फॉर एक्सपोर्ट, और वही फसल लगवाते थे जो उनको ज़रूरत थी एक्सपोर्ट करने के लिए। एंड यू विल अंडरस्टैंड द चेंजेस, और आप ये समझेंगे कैसे चेंजेस हुए थे दैट केम अबाउट एज अ कॉन्सिक्वेंसेस, जब ये लोग आए थे उसके परिणाम स्वरूप कौन कौन से चेंजेस हुए थे, कौन कौन से बदलाव हुए थे, इनके बारे में आप समझो। यू विल ऑल्सो कम टू नो, और आपको ये भी पता चलेगा या इसकी भी जानकारी होगी अबाउट द चेंजेस कि जो ब्रिटिश रूल था उन्होंने कैसे चेंजेस लाए थे, वो कैसे चेंजेस लाए थे, ब्रॉट अबाउट अ वैल्यूज एंड टेस्ट, इवन हमारे जो आदर्श थे हमारे जो टेस्ट थे उसमें भी उन्होंने चेंजेस ला दिए थे। कस्टम्स एंड प्रैक्टिस, कस्टम हमारे जो रीति रिवाज थे, और प्रैक्टिस यानी कि जो हम धर्म मानते थे उसमें भी उन्होंने बदलाव किया था। वैन द सब्जिगेशन ऑफ वन कंट्री बाय अनदर कंट्री, मतलब कि सब्जिगेशन मतलब होता है कंट्रोल करना, तो जब कोई कंट्री एक कंट्री जब दूसरी कंट्री पर कंट्रोल कर लेती है, लेड टू दीज काइंड ऑफ पॉलिटिकल, किस टाइप का कंट्रोल करती है, पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड सोशल एंड कल्चर कंट्रोल करके राजनीतिक आर्थिक सामाजिक और कल्चरल चेंजेस लाती है, तो उसको उस प्रक्रिया को इस प्रोसेस मतलब होता है प्रक्रिया, उस प्रक्रिया को कॉलोनाइजेशन कहा जाता है। तो ये कॉलोनाइजेशन की डेफिनेशन हो गई। यू विल हाउएवर फाइंड दैट ऑल क्लासेस, अब आप ये पाएंगे कि जितनी भी क्लासेस या जितने भी ग्रुप थे डिड नॉट एक्सपीरियंस दीज चेंजेस, वो इन चेंजेस को नहीं मान रहे थे इन द सेम वे, ठीक उसी प्रकार से। दैट्स वाई, इसी वजह से जो किताब है इज कॉल्ड, उस बुक को कहा गया आर पास्ट इन प्लूरल्स, कि हमारा पास्ट कैसा है प्लूरल प्लूरल में। हाउ डू वी नो, हम कैसे जानकर हमें कैसे जानकारी मिली कि पहले क्या हुआ था, या 250 साल पहले इंडिया की हिस्ट्री क्या हुआ करती थी, तो इस बारे में जानकारी हमारे जो इतिहासकार हैं हिस्टोरियंस हैं इनको कैसे मिला, क्या सोर्सेज थे उनके पास जिससे कि उन्होंने लिखा 250 साल पहले इंडिया की हिस्ट्री में क्या क्या हुआ था। एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूस रिकॉर्ड, और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो रिकॉर्ड को प्रोड्यूस करते थे, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो रिकॉर्ड को संभाल के रखता था, वो जो भी चीज़ जो भी काम होते थे उसको रिटर्न में रखता था। तो वन इम्पॉर्टेंट जो सोर्स है इज ऑफिशियल रिकॉर्ड, और वो क्या है, ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का ऑफिशियल रिकॉर्ड है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स था जानकारी का। द ब्रिटिश बिलीव, और जो ब्रिटिशर्स थे वो ऐसा मानते थे दैट द एक्ट राइटिंग वॉज इम्पॉर्टेंट, कि जो कुछ भी काम होता है उसको लिखना ज़रूरी होता है। एवरी इंस्ट्रक्शन प्लान पॉलिसी, और हर इंस्ट्रक्शन प्लान पॉलिसी डिसीजन एग्रीमेंट इन्वेस्टिगेशन हैड टू बी क्लियरली रिटन अप, कोई भी इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन मतलब होता है किसी को कोई चीज़ बताना या उसको गाइड करना, इंस्ट्रक्शन या कोई प्लान या कोई योजना बनाना, पॉलिसीज बनाना या कोई डिसीजन लेना, या एग्रीमेंट मीन्स होता है समझौता, या समझौता करना, एंड इन्वेस्टिगेशन मतलब होता है खोजबीन या खोजबीन करना, जो भी किया है उसको क्लियरली लिखना चाहिए। वंस दिस वॉज डन, एक बार ऐसा कर दिया तो थिंग कुड बी प्रॉपरली स्टडी, तो जो चीज़ें हैं उनको प्रॉपरली स्टडी किया जाएगा और उस पर डिबेट हो सकेगी। दिस कन्विक्शंस प्रोड्यूस एन एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर, और ये जो कन्विक्शन है ये एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर ऑफ जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर है, जैसे कि मेमोज का नोटिंग एंड रिपोर्टिंग, तो मेमोज मीन्स होता है जो रिसिप्ट वगैरह देते हैं उसको मेमोज बोलते हैं, नोटिंग जो भी वो नोट वगैरह करते हैं या रिपोर्ट जो तैयार करते हैं, तो ये एक कल्चर बन गया ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का। द ब्रिटिश ऑल्सो फेल्ट, और जो ब्रिटिश थी वो ये सभी महसूस करती थी कि ऑल इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स,
जितने भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जैसे कि लेटर है, नीड टू बी केयरफुली प्रिजर्व, इसको केयरफुली हमें बचा के रखना चाहिए। दे ऑल्सो सेट अप रिकॉर्ड्स रूम, और साथ में वो रिकॉर्ड रूम को सेटअप करते थे अटैच टू ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन इंस्टीट्यूशन है उसके अंदर इनको अटैच किया करते थे रिकॉर्ड रूम को। द विलेज तहसीलदार ऑफिस, और जैसे कि जो विलेज का जो तहसीलदार ऑफिस है या कलेक्ट्रेट है, कमिश्नर्स ऑफिस है, एंड द प्रोविंशियल सेक्रेटरीट है, लॉ कोर्ट, ये जितने भी हैं ऑल हैड देयर रिकॉर्ड रूम। इन सब के अंदर रिकॉर्ड रूम होता है। स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन और स्पेशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जैसे कि आर्चीव्स एंड म्यूजियम्स, ऑल्सो स्टैब्लिश इन द प्रिजर्व इम्पॉर्टेंट रिकॉर्ड, और इनको स्टैब्लिश किया गया जिससे कि इम्पॉर्टेंट रिकॉर्ड को प्रिजर्व किया जा सके, बचाया जा सके। लेटर एंड मीन्स दैट मूव्ड फ्रॉम वन ब्रांच ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू अनदर, और जो लेटर या मेमोज हैं वो एक ब्रांच से एडमिनिस्ट्रेशन की दूसरे ब्रांच के अंदर जाते थे इन द अर्लियर ईयर्स ऑफ द 19th सेंचुरी। अर्लियर ईयर्स 19th सेंचुरी में कैन स्टिल बी रीड इन द आर्चिव, और उसको आज भी आप पढ़ सकते हैं आर्चिव के अंदर हैं। एंड यू कैन ऑल्सो स्टडी द नोट एंड रिपोर्ट, और साथ में आप नोट्स और रिपोर्ट्स भी पढ़ सकते हैं दैट डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल प्रपेयर्ड, जो कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल ने प्रपेयर किए हैं, और द इंस्ट्रक्शन, और वो सारे इंस्ट्रक्शन, वो सारे डायरेक्टिव्स या डायरेक्शन हम उसको बोल सकते हैं, दैट वर सेंड बाय द ऑफिशियल, जो कि ऑफिशियल ने भेजी थी। ऑफिशियल मतलब ऑफिसर्स एट द टॉप टू द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, टॉप से प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन तक इन द अर्ली ईयर्स, और अर्ली ईयर्स 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग के अंदर अर्ली ईयर्स में दीज डॉक्यूमेंट्स वर केयरफुली कॉपीड, और ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनको केयरफुली कॉपी किया गया था ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग के अंदर बाय कैलीग्राफिस्ट। कैलीग्राफ मतलब होता है जो खूबसूरत तरीके से लिखते हैं राइटिंग के, उनको कैलीग्राफिस्ट कहा जाता है। एंड दैट इज बाय दोज हु स्पेशलाइज्ड, और किसी से जो स्पेशलाइज हैं इन आर्ट ऑफ द ब्यूटीफुल राइटिंग की, जो बहुत सुंदर लिख सकते हैं, जो इसमें जो स्पेशलाइज हैं ऐसे लोगों को लिखने के लिए कहा जाता था। बाय द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी, और 19th सेंचुरी के मिडल तक विद द स्प्रेड ऑफ प्रिंटिंग मल्टीपल कॉपीज, और जब प्रिंटिंग प्रेस इस्टेब्लिश हो गई थी उसके बाद 19th सेंचुरी के अंदर प्रिंटिंग्स जो हैं मल्टीपल कॉपीज ये फैलने लगी, बहुत तेज़ी से बढ़ गई। कॉपीज ऑफ दीज रिकॉर्ड्स वर प्रिंटेड एज अ प्रोड्यूसिंग सॉरी प्रोसीडिंग्स ऑफ सच गारमेंट्स गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, तो बहुत सारी जो कॉपीज थी, मल्टीपल कॉपीज थी, वो रिकॉर्ड के रूप में प्रिंट की गई, और ये गवर्नमेंट के हर डिपार्टमेंट के अंदर उसको पहुँचा दिया गया। देन फिर आता है आपका सर्वे बिकम इम्पॉर्टेंट। सर्वे क्यों इम्पॉर्टेंट बने, क्या कारण था जो सर्वे थे वो इम्पॉर्टेंट बने। द प्रैक्टिस ऑफ सर्विंग ऑल्सो बिकेम कॉमन अंडर द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान जो प्रैक्टिस थी सर्वे की ये कॉमन थी, मतलब जो ब्रिटिशर्स थे वो जाके पहले सर्वे किया करते थे लैंड का और उसके बाद लगान लगाते थे। द ब्रिटिश बिलीव दैट, और जो ब्रिटिश थे वो ऐसा मानते थे कि कंट्री हैड टू बी प्रॉपरली नोन बिफोर इट कुड बी इफेक्टिवली एडमिनिस्टर्ड, और ब्रिटिश ऐसा मानते थे कि जो कंट्री है उसको हम प्रॉपरली तब उसको हम सही प्रकार से, तो इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ज़रूरी है कि हम सर्वे करें। बाय द अर्ली 19th सेंचुरी, अर्ली 19th सेंचुरी में डिटेल सर्वे, और जो डिटेल सर्वे था वर बींग कैरिड आउट टू मैप, और ये मैप के थ्रू उसको कैरी किया जाता था एंटायर कंट्री के। तो डिटेल सर्वे जो भी ली जाती थी सबसे पहले उसमें मैपिंग की जाती थी, और उसके बाद उसकी डिटेल सर्वे की जाती थी। द इन द विलेज, और गाँव के अंदर रेवेन्यू सर्वे, जो रेवेन्यू सर्वे था यानी लगान से रिलेटेड सर्वे किया जाता था, और कंडक्टेड द एफर्ट्स वॉज टू नो द टॉपिग्राफी, और जो कोशिश की जाती थी कि जो टॉपिग्राफी है उसको जाना जाए,
वहाँ की मिट्टी कैसी है, मिट्टी की क्वालिटी कैसी है, सॉइल की क्वालिटी एंड फ्लोरा एंड फौना किस टाइप के हैं वहाँ के, एंड द लोकल हिस्ट्रीज, और वहाँ की लोकल हिस्ट्रीज इतिहास क्या है, एंड क्रॉपिंग पैटर्न कैसा है, ऑल द फैक्ट सीन एज अ नेसेसरी, और ये जितने भी फैक्ट हैं उनको ज़रूरी समझा गया टू नो अबाउट द एडमिनिस्टर द रीज़न, जिससे कि जो रीज़न है उसके जो एडमिनिस्टर्स हैं उनके उनको जानना ज़रूरी था। और जितने भी फैक्ट इन्होंने बता रखे हैं कि फ्लोरा फौना कैसे हैं, ट्रॉपिक टोपोग्राफी कैसी है, या सॉइल कैसी है, सॉइल की क्वालिटी कैसी है, जितने भी फैक्ट हैं उसको समझना ज़रूरी है, उसके बारे में जानकारी लेना ज़रूरी था। एडमिनिस्टर्स ऑफ रीज़न, जो भी रीज़न का एडमिनिस्टर है या एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने वाला है उनके लिए, फ्रॉम द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, और 19th सेंचुरी के एंड से सेंसस ऑपरेशंस वो हेल्ड एवरी 10 ईयर, और जो सेंसस ऑपरेशन थे वो स्टार्ट हो गए हर 10 साल बाद। तो दीज जो सेंसस है, सेंसस होता था जनगणना विभाग, और जो जनगणना है वो हर 10 साल बाद की जाती है। दीज प्रिपेयर डिटेल, और जो सेंसस है वो डिटेल रिकॉर्ड तैयार करता है ऑफ अ नंबर ऑफ पीपल, कितने लोग रहते हैं इन ऑल द प्रोविंसेस ऑफ इंडिया, सारे प्रोविंसेस इंडिया के अंदर, एंड नोटिंग एंड इंफॉर्मेशन एंड कास्ट, नोटिंग इंफॉर्मेशन और कास्ट के बारे में डिटेल में रिकॉर्ड रखना रखा जाता है सेंसस के अंदर भी। इसके अलावा रिलीजियस रिलीजन रिलीजन के बारे में बताते हैं, एंड ऑक्यूपेशन कौन लोग कैसे कौन कौन से व्यवसाय करते हैं, कितने परसेंट है जो एग्रीकल्चर से एंगेज हैं, कितने परसेंट जो इंडस्ट्रीज के अंदर है, कितने हैं जिनका अपना बिजनेस है, तो वो सारा ऑक्यूपेशन के अंदर आ जाता है। देयर वर मैनी अदर सर्वेस, और भी कई प्रकार के सर्वे होते हैं, जैसे कि बॉटनिकल सर्वे जो प्लांट से रिलेटेड होता है, और जूलॉजिकल सर्वे जो कि एनिमल से रिलेटेड होता है, एंड आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो मॉन्यूमेंट से रिलेटेड होता है, एंड एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे फॉरेस्ट सर्वे, तो ये रिलीजन से रिलेटेड हो गया, इसमें पीपल कैसे रहते हैं क्या रहते हैं वो एंथ्रोपोलॉजी के अंदर आ गया, और फॉरेस्ट सर्वे जंगलों से रिलेटेड सर्वे, तो ये सारे जो सर्वे हैं वो इम्पॉर्टेंट सर्वे हैं और किसी चीज़ को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। दैन इसके बाद है कि वॉट ऑफिशियल रिकॉर्ड डू नॉट टेल, भाई ऑफिशियल रिकॉर्ड से हमें बहुत कुछ पता चल जाता है लेकिन ऑफिशियल रिकॉर्ड हमें क्या नहीं बताते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फ्रॉम दिस वास्ट कॉर्पस, और बहुत बड़े जो कॉर्पस है रिकॉर्ड का, वी गेट नो अ लॉट, और इससे हमें बहुत कुछ जानकारी मिली, बट वी मस्ट रिमेम्बर दैट दीज आर ऑफिशियल रिकॉर्ड, और हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि ये सब ऑफिशियल्स रिकॉर्ड हैं, एंड दे टेल अस, और ये हमें बताते हैं व्हाट द ऑफिशियल्स थॉट, कि जो ऑफिशियल्स हैं वो क्या सोचते हैं। They were interested in and what they wished to preserve for posterity. तो यानी कि जो official record है उसमें केवल वो ही बताते हैं जिसमें उनको interest होता है, और या वो बताना चाहते हैं उस बारे में उसी को वो बताते हैं, और जो नहीं बताना चाहते उसको वो नहीं बताते records के अंदर, और साथ में जो चाहते हैं कि ये प्रिजर्व रहे पोस्टेरिटी के रूप में, पोस्टेरिटी के लिए, तो उसको वो बचा के रखते हैं। दीज रिकॉर्ड्स डू नॉट ऑलवेज हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाट अदर पीपल्स इन द कंट्री फेल्ट, और ये जो रिकॉर्ड हैं ये हमेशा हमारी मदद नहीं करते हैं। इसका रीज़न ये है क्योंकि जो अदर लोग कंट्रीज़ के अंदर रहते हैं वो क्या महसूस करते हैं, वो किसके बारे में बात कर रहे हैं, जो लोग कम हैं, एंड व्हाट दे बिहाइंड देयर एक्शंस, और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो जैसे एक्शन ले रही है उसके बारे में लोग क्या सोचते हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में जो ब्रिटिश रिकॉर्ड है वो नहीं बताता है, या ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं बताता है, वो सिर्फ वही बताता है जो ऑफिशियल होता है या जो वो बताना चाहता है। फॉर दैट वी नीड टू लुक एल्सवेयर, और इसके लिए हमें कहीं और देखना पड़ता है, तो वैन वी बिगन सर्च टू दीज थिंग्स, और जब हम इन चीज़ों को देखने के लिए अदर रिसोर्सेज की तरफ जाते हैं तो हम पाते हैं इन दैम इन प्लेंटी, ये तो बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा के अंदर है, द
दो दे आर मोर डिफिकल्ट, हालांकि इनको पाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है टू गेट देन फ्रॉम ऑफिशियल रिकॉर्ड एंड वी हैव डायरीज ऑफ पीपल, तो हमारे पास डायरीज हैं लोगों की, अकाउंट है पिलग्रम्स का, पिलग्रम्स मतलब तीर्थ यात्री, तो जो तीर्थ यात्री जो लिख कर यहाँ से गए वो उनका अकाउंट है, एंड ट्रेवलर्स जो यात्रा यहाँ करने आए थे घूमने आए थे उनका अकाउंट है, ऑटोबायोग्राफीज हैं जो अलग अलग राजाओं ने लिखी थी अपने बारे में, ऑफ द इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज एंड पॉपुलर बुकलेट, ये इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी और एक पॉपुलर बुकलेट है दैट वी वर सोल्ड इन लास्ट, और ऐसी बुकलेट्स हैं जिनको कि हमने बेचा था लास्ट लोकल बाजार के अंदर, एज प्रिंटिंग स्प्रेड, और जैसे ही प्रिंटिंग फैल गई यानी प्रिंट होना स्टार्ट हो गया तो न्यूज़पेपर वर पब्लिश, जो न्यूज़पेपर थे वो पब्लिश होने लगे एंड इश्यूज़ वर डिबेट इन पब्लिक, और जो इश्यूज़ जो भी मुद्दे थे वो पब्लिक के अंदर डिबेट के लिए आने लगे या लोग उस पर डिबेट करने लगे। लीडर्स एंड रिफॉर्म्स रोट टू स्प्रेड दे आइडियाज़, लीडर्स और रिफॉर्मर्स थे उन्होंने अपने आइडिया को स्प्रेड करने के लिए लिखना स्टार्ट कर दिया, पोइट ने पोएम लिखा, नॉवलिस्ट ने नॉवल लिखा टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग कि वो अपनी फीलिंग को बता सकें। तो ये तो थे सारे कि किस प्रकार से जो लीडर्स और रिफॉर्मर्स थे उन्होंने अपने अपने आइडिया को स्प्रेड किया फैलाया जिससे कि जो लोग हैं उनके आइडियाज़ को समझ सकें, पोइट्स ने पोएम लिखे गई, नॉवलिस्ट ने नॉवल्स लिखे गए, और इन सब में उन्होंने अपनी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया। ऑल दी सोर्सेज, ये जितने भी सोर्सेज हैं, हाउ एवर वी प्रोड्यूस बाय दोज हु वर लिटरेट, हालांकि उन लोगों ने इसको प्रोड्यूस किया जो कि पढ़े लिखे हैं, फ्रॉम दिस वी विल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हाउ इंडस्ट्रीज वॉज एक्सपीरियंस्ड एंड लाइव बाय द ट्राइबल ट्राइबल एंड पीजेंट्स। तो ऐसे लोग जो कि पढ़े लिखे नहीं हैं वो इस काबिल नहीं होते कि वो हिस्ट्री को समझ सकें या कुछ लिख सकें अपने बारे में कि उनकी ज़िंदगी कैसी बीत रही है, जैसे कि ट्राइबल पीपल हैं या पीजेंट्स हैं, किसान हैं या वर्कर हैं जो माइंस के अंदर काम करते हैं या गरीब लोग हैं जो स्ट्रीट्स में रहते हैं। गेटिंग टू नो देयर लाइफ्स, और इनकी सबकी ज़िंदगी जानने डिफ़िकल्ट टास्क है, लेकिन अगर थोड़ी सी कोशिश की जाए, इफ़ वी मेक अ लिटिल बिट ऑफ एफर्ट, यानी कि अगर थोड़ी सी कोशिश करें तो हम लोग इनके बारे में जान सकते हैं। वैन यू रीड दिस बुक यू विल सी हाउ दिस कैन डन, जब आप इस किताब को पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि ये सब किस प्रकार से हुआ था। तो ये आपका चैप्टर ख़त्म होता है, तो जो मैंने पढ़ाया उसको आपको पढ़ना है। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।